Welcome back my channel. Today I gonna show how to make a tie-dye t-shirt painting. So let's get started. So first of all, मेरे channel को आप नए हो तो subscribe कर देना और bell icon को भी press कर देना और मेरी video अच्छा लगे तो like भी कर देना. तो चलिए शुरू करते हैं. So first of all, आपके पास कोई भी acrylic paint आपके combination में ले सकते हो और मैंने लिया है 2 acrylic paint. आप चाहो तो 3-4 ले सकते हो. फिर थोड़ी सी rubber band and 1 earbud. Then after मैंने यहाँ पर fork लिया है, empty glue bottle और 2 bowls and water. So let's start tie-dye t-shirt painting. के लिए हमें लेना है एक t-shirt, आप देख सकते हो, और अभी हमें fork से इसे round करना है कुछ इस तरीके से. फिर आपको rubber band से attach करना है. गाइस, मैंने रबर बैंड से 5 साइड मैंने रबर बैंड से इसे अटैच कर लिया है. तो अब हम इसका पेंट बनाते हैं. तो इसके लिए मैंने लिया है बाउल और आपको मेजरिंग कर वाटर लेना है. मैं तो स्पून से मेजर कर रही हूँ, आप चाहो तो किसी भी थिंग से आप मेजर कर सकते हो. आपको बोतल के हिसाब से मेजर करना है ताकि आपका पानी वेस्ट ना हो और आपको दूसरी बार बनाना भी ना पड़े. तो गाइस, आप अब मेजर हो चुका है. अभी इसमें मैं डालूंगी कलर. आपको 5 to 6 ड्रॉप तो डालनी है. फिर हमारा जो ईयरबड है इसे हमें हाफ में कट करना है कुछ इस तरीके से और मिक्स करना है. मुझे थोड़ा सा और कलर डालना पड़ेगा. ओके, 1 ड्रॉप और डाली है मैंने. आप अपने टी शर्ट के हिसाब से ले सकते हो कलर्स और अपनी मेजर से. सो येलो कलर हमें इस बोतल में फिल करना है. तो गाइस, हमने बोतल फिल कर ली है. मैंने थोड़ा सा स्किप किया था ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो. तो अब हम इसमें कलर करेंगे. कुछ इस तरीके से हमें कलर करना है और आपको कलर्स लाइट नहीं डालने हैं. आप डालेंगे तब आपका वाटर डार्क होगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत डार्क हो गया, चलो थोड़ा सा पानी डालें. लेकिन ऐसा ना करें, आपके थोड़ा सा ज़्यादा ही कलर डालना है. आपको कुछ इस तरीके से कलर करना है. तो गाइस, हमने ये कलर कर लिया है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से. और अब हम दूसरा कलर बनाएंगे और हमने जो हाफ में ईयरबड काटी थी हम चेंज कर लेंगे ताकि कलर उसमें दूसरा ना आ जाए इसलिए. तो अब हम पिंक कलर बनाएंगे, तो वो भी हम इसी तरह स्पून से ही मेजर कर लेंगे. गाइस, हमने
इसे मेजर कर लिया है। अगर आपका टी शर्ट छोटा है तो आपको 10 to 11 स्पूंस लेना है, और अगर आपका टी शर्ट बड़ा है तो आपको 21 तक स्पूंस लेने हैं। तो चलिए अब हम मैंने ये वाला पिंक कलर डाल रही हूँ। ओके गाइस, तो मैंने इसमें कलर डाल दिया है, और आप जब कलर डालो ज़्यादा डालो या कम डालो, लेकिन आपको मिक्स अच्छी तरीके से करना है ताकि आपका कलर वेस्ट ना हो। ओके, अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। ओके गाइस, तो मैंने इसमें पिंक कलर भी फिल कर लिया है, और अब हम येलो की तरह इसे भी कलर करेंगे। अगर आपका कलर लाइट बना हो और आप भूल गए हो आपका कलर लाइट है, तो आपको उस कलर को थोड़ी बार रिपीट करना है ताकि वो डार्क हो जाए। सो गाइस, मेरा टी शर्ट अभी पिंक कलर से भी मैंने कर दिया है येलो की तरह, और अब टाइम है इसे खोलने का, लेकिन आपको खोलना नहीं है, इसे काट ही देना है। रबर बैंड को अगर आपको खोलना है तो आप खोल भी सकते हो। हमारा टाई डाई टी शर्ट बनकर रेडी है गाइस, आप देख सकते हो। और ये टाई डाई की तरह ही प्रिंट आ चुका है, आप देख सकते हो। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।